हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की क्लास में। और फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे जैसे आते जा रहे हो वैसे वैसे वीडियो की लिंक को उठाइए और अपने व्हाट्सअप, फेसबुक के स्टेटस पर, स्टोरीज पर, इंस्टाग्राम पर, जहां पर भी आपके भीड़ भाड़ है वहां पर शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये सेशन आज का जाना चाहिए। हम लोग केमिस्ट्री के शानदार जानदार क्वेश्चंस आज करने वाले हैं और एमसीक्यू का ये जो सेशन हम लोग ले रहे हैं ये पिछले 2 महीने से लगातार अनवरत बिना रुके जारी है। और इस सेशन में मैं आपको लगभग 1 से 2 हजार क्वेश्चंस करवा चुका हूं, लगभग 1.5 से 2 हजार क्वेश्चंस तो अभी तक करवा चुका हूं। और आपके जैसे जैसे सेशन बढ़ता जाएगा हम लोग डेली नए नए प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते जाएंगे। साथ ही जो पुराने क्वेश्चंस अच्छे हैं लेबल के हैं उनको भी हम लोग रिपीट करते जाएंगे ताकि जो लेबल का क्वेश्चन है वो रिपीट हो के ही हमारे दिमाग के अंदर सेट हो जाए। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों क्लास आप शेयर कीजिएगा। चलिए, हाँ, तौकीर आलम, एक क्वेश्चन आया था आइंस्टीन वाला, सापेक्षता का सिद्धांत। बिल्कुल, परसों सेशन में ही मैंने बताया था, बिल्कुल बताया था। और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डेली लाइफ में डिस्कस करते हैं इधर उधर और वो पेपर के अंदर सीधा कूद जाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में और बच्चे इस टाइप का रिस्पॉन्स देते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत सभी का। लाइव काउंट स्टार्टिंग से अच्छा रहना चाहिए। पता नहीं बच्चों का क्या सीन है कि स्टार्टिंग में बड़े कम रहते हैं, धीरे धीरे जब उनको दिखता है यूट्यूब उनको कुरेद कुरेद के बोलती है कि अरे भाई, अरे चला जा, पाठक सर की क्लास चल रही है देख ले, तो बड़ा मनाने के बाद वो मेरी क्लास में आते हैं, है कि नहीं। पता नहीं यार मेरी क्लास में लोगों को क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ दोस्तों, परीक्षा एप्लीकेशन पर जो पेड कोर्स चल रहे हैं दोस्तों, जिनमें कि कंप्लीट साइंस कोर्स आपका रेलवे कैटेगरी में चल रहा है, उस पर 50% अभी ऑफ है। यानी 1299 का जो कोर्स है उस पर जब आप बीके पाठक 50 कोड अप्लाई करेंगे तो 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा। 650 रुपये मात्र में कंप्लीट साइंस कोर्स विद ऑल PDFs एंड 9 मंथ वैलिडिटी वो आपको मिलने वाला है। साथ में दोस्तों राजस्थान के लिए स्पेशली हमने स्टेनोग्राफर कोर्स लॉन्च किया है। स्टेनोग्राफर कोर्स में आपको 1000 रुपये फीस रखी है, 40% डिस्काउंट है। बीके पाठक 40 कोड पर आप लोगों को 40% डिस्काउंट के बाद 600 रुपये मात्र में स्टेनोग्राफर की साइंस का 75 क्वेश्चंस का पूरा जुगाड़ आपको उसमें मिलने वाला है। ठीक है, चलिए क्लियर। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन, है ना, ये रहा दोस्तों आपके पास। और ये है द pH ऑफ वाटर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 7। ओके, जो जल का पीएच है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है दोस्तों, 7 है। अगर जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दिया जाए तो इसके पीएच में क्या परिवर्तन होगा, जवाब दीजिए दोस्तों। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए और क्लास को शेयर कीजिए दोस्तों। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे आप लोग। चलिए जल्दी से जल्दी, ओके। तो बताइए दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी। देखिए पीएच की आप जब बात करेंगे तो पीएच का मतलब है, पीएच 7 है इसका मतलब जल उदासीन है। ठीक है, अब जब आप इसे गर्म करेंगे तो गर्म करने पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने गर्म किया है तो दोस्तों जल की कुछ मात्रा किसमें कन्वर्ट होगी, वाष्प में। कुछ मात्रा वाष्प में कन्वर्ट होगी, क्लियर। तो दोस्तों जो जल के अंदर जो पीएच, जल के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है, तो जल का आयतन कम होने की वजह से जो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जल वाष्प में बदलेगा तो सांद्रता बढ़ेगी और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अगर बढ़ेगी तो पीएच वैल्यू भी क्या होगी दोस्तों, पीएच वैल्यू क्या होगी, घटेगी। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अगर बढ़ेगी तो पीएच वैल्यू का मान क्या होगा दोस्तों, घटेगा। क्यों, क्योंकि जो पीएच वैल्यू होती है वो हाइड्रोजन आयनों के ऋणात्मक जो लघुगणक है उनसे निकाली जाती है। दोबारा समझ लीजिए, 7 पर जल उदासीन है, जब आप गर्म करेंगे तो जल की कुछ मात्रा वाष्प में बदल जाएगी, यानी कि दोस्तों आयतन कम हो गया। सांद्रता किसमें निकाली जाती है दोस्तों, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, क्लियर। तो जब वॉल्यूम की वैल्यू कम होगी, जब आपका जो आयतन है
वो जब आपका कम होगा, आयतन कम होगा, तो दोस्तों जो आपके कंसंट्रेशन है, जो आपके सांद्रता है वो बढ़ेगी, और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो अम्लीयता बढ़ेगी। अम्लीयता का मतलब है पीएच घटेगा। तो याद रखिएगा, आपसे उत्तर क्या पूछेगा कि पीएच क्या होगा, दोस्तों घटेगा। तो जब आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड है जब टेम्परेचर, तो पीएच वैल्यू 7 है, क्लियर। अब ऐसी कंडीशन में जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दोगे तो पीएच में क्या आएगी, कमी। और आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि अम्लीयता, जो एसिडिटी है, वो क्या होगी दोस्तों, बढ़ेगी। अम्लीयता क्या होने वाली है, अम्लीयता बढ़ने वाली है। क्लियर दोस्तों, यहां तक समझ में आ गए। चलिए, विकास कुमार कुमारी, फ्लोथीन एथीन का बोलक, ये क्या बोला है, क्लोरो एथिलीन का बोलक जो होता है वो पीबीसी को बोला जाता है। देखिए, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड क्या होता है, CH2CHCl, ये होता है वाइनिल क्लोराइड। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, एथिलीन था CH2CH2, ये एथिलीन होता है, उसमें आपने क्लोरीन जोड़ दिया, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, क्लोरो एथिलीन कह सकते हैं। तो क्लोरो एथिलीन ही एक तरीके से दूसरा नाम है किसका दोस्तों, वाइनिल क्लोराइड का। वाइनिल क्लोराइड का ही दूसरा नाम क्लोरो एथिलीन है। तो वाइनिल क्लोराइड का बहुलक कौन है दोस्तों, पीबीसी, वही बहुलक हो जाएगा दोस्तों किसका, क्लोरोएथिलीन का। तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीबीसी इज आल्सो नोन एज क्लोरोएथिलीन, बात समझ में आ गई, पीबीसी को ही क्लोरोएथिलीन बोला जाता है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, सेशन केमिस्ट्री का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि आपको लिस्ट को मैच करना है, चार आपके पास एबीसीडी दिए गए हैं, फोर देयर आर 1, 2, 3 एंड 4, तो आपको इनमें से मैच करना है, और मैच करना है तो आप क्या करेंगे, पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप लोग लिखते हैं NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे लिखते हैं CaO, एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला है CH3COOH, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपका HCl, चार चीजें उधर है ना। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किससे मिलेगा, जो डी है आपका वो एक से मैच होगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा एसिड है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो डी आपका किससे मिलने वाला है, ए से, ओके। अच्छा, दूसरा जो दोस्तों आपका बनने वाला है वो बनने वाला है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका किस पर आने वाला है दोस्तों, दो पर, क्यों, क्योंकि एल्कली दोस्तों, एल्कली बोला जाता है वे क्षार जो जल में घुलनशील होते हैं, और जो ग्रुप वन और ग्रुप टू के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, है ना, ग्रुप वन ग्रुप टू NaOH दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम किस में आता है, ग्रुप वन में, तो ग्रुप वन के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो जल में घुलनशील है, वो एल्कली कहलाते हैं, ठीक है। बी दोस्तों आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड दोस्तों एक धातु ऑक्साइड है, और धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, क्षारीय होती है, तो इसका क्या बनेगा दोस्तों, बेस। और सी की बात की जाए, एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड को आप किस पे रखोगे दोस्तों, दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड। तो मैचिंग आपके क्लियर हो गई, मैचिंग क्या क्लियर हो गई दोस्तों, ए से आप जब मैच करेंगे तो 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, इसको लिंक कीजिए। बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्षार है, लेकिन वे क्षार जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, एल्कली कहते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। तो ये याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में एल्कली और बेस को कैसे टिक लगाना है, ये बड़े सोचने की बात है, ओके। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, है ना, जब एग्जामिनर थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन देता है तो आते हैं दोस्तों। ये बहुत सिंपल, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सबसे ज्यादा अम्लीय है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, ओके। बेटा, क्लास को शेयर करो इतना कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये क्लास जाए, और बेटा शेयर करने का काम आपका है। कंटेंट आप देख पा रहे होंगे कि कंटेंट की क्वालिटी और कंटेंट की डीपनेस में कोई भी कमी पहले दिन से द स्टडी कैफे से और आज तक कभी नहीं आई है, ना कभी आने वाली है, ठीक है। तो बस लपका दीजिए वीडियो को जितना हो सके, जितना उतना ज्यादा, क्लियर। चलिए, ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, क्लास को दबा के शेयर करो और आलती पालती मार के बैठ जाओ। सबसे ज्यादा अम्लीयता की बात की जा रही है, सबसे ज्यादा अम्लीयता किसकी है दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था अम्लीयता, अम्लीयता जो है वो पीएच वैल्यू के उल्टी चलती है, पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा अम्लीयता उतनी कम, और जो क्षारीयता है वो पीएच वैल्यू के साथ साथ चलती है, याद रखना बच्चों। तो पीएच वैल्यू कम, अम्लीयता ज्यादा, तो सबसे ज्यादा अम्लीय इनमें कौन सा होगा दोस्तों, पीएच 1 होगा, ठीक है।
सबसे कम अम्लीयता पूछेंगे तो मिनिमम अम्लीय हो जाएगा ये। इनमें क्षारीयता सबसे ज्यादा पूछोगे तो क्षारीयता मैक्सिमम किसकी होगी, ऑप्शन नंबर डी पीएच 10। ओके याद रखिए, ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। चलिए एल्कली इसलिए माना कन्हैया वर्मा बेटा क्योंकि एल्कली उन क्षारों को बोलते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड ग्रुप एक का क्षार है और ग्रुप एक के क्षार जल में घुलनशील होते हैं तो उन्हें हम एल्कली कह देते हैं। ठीक है चलिए ओके बात समझ में आ गई, अगली बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है, विच इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है, जवाब दीजिए कन्हैया वर्मा। बेटा देखो क्या होता है, जब अपन ऐसे क्षार और अम्ल की बात करते हैं तो क्षार हम अम्ल और क्षार लगभग, क्षार और भस्म लगभग बात एक ही है, लेकिन जब दोनों में तुलना करनी हो तो हम देखते हैं कौन जल में घुलनशील है कौन जल में घुलनशील नहीं है, कौन वाटर सोल्यूबल है कौन सोल्यूबल नहीं है। ठीक है चलिए ओके तो बेटा आइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है, विच इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, आप जानते होंगे मैंने आपको क्लियर कट पढ़ाया है, HCl स्ट्रॉन्ग है, HNO3 आपका स्ट्रॉन्ग है, HFSO3 जिसको फ्लोरोसल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं स्ट्रॉन्ग है और दोस्तों H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग है। ये चार आपको मैंने पढ़ा रखे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में, प्रबल अम्लों में पढ़ा रखे हैं। वीक एसिड में बेटा मैंने आपको पढ़ाया है, वीक एसिड में मैंने आपको क्या पढ़ाया, एसिटिक अम्ल पढ़ाया है दोस्तों, और मैंने एसिटिक अम्ल के साथ साथ दोस्तों कार्बोनिक अम्ल भी पढ़ाया है यार, और मैंने सिट्रिक अम्ल भी पढ़ाया है, और मैंने HF भी पढ़ाया है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ठीक है तो इनमें ये क्या है, वीक एसिड है। ओके इसी तरह आप स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस में बच्चों याद रख लीजिएगा NaOH और KOH आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, और जो वीक बेस है उनमें आप लोग किसको रखेंगे, NH4OH हो गया, MgOH का होल ट्वाइस हो गया, ALOH का होल थ्राइस हो गया, ZnOH का होल ट्वाइस हो गया, ये सब आपके क्या है, वीक बेसिस हैं, याद रखना। तो कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है, कार्बोनिक एसिड एंड इट इज H2CO3, और ये दोस्तों कार्बोनिक एसिड आपके सोडा वाटर और आपके कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर पाया जाता है, तो याद रख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है दोस्तों। ठीक है चलिए बिल्कुल, कार्बोनिक एसिड आपका किन के अंदर आता है दोस्तों, सोडा वाटर के अंदर आता है। साथ में बता दूं दोस्तों कोको कोला आदि की खटाई के बारे में भी क्वेश्चन आता है, और ऑप्शन में कार्बोनिक एसिड नहीं होता तो फास्फोरिक एसिड भी कर सकते हैं, आपसे पूछा जाए कोका कोला के अंदर, कोका कोला के अंदर जो हल्का सा खट्टापन होता है वो किसकी वजह से होता है, तो कार्बोनिक एसिड मेन रीजन है, लेकिन हम लोग फॉस्फोरिक एसिड भी याद करेंगे, एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल कोका कोला तू सही है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, और लपका डालिए तुरंत बिना सोचे समझे, चुटकियों के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, और पूछा जा रहा है बेटा गलत बात कौन सी है, और गलत बात मुझे कतई पसंद नहीं है, गलत बात को ढूंढ के साइड में हटा के अलग करो, गलत बात और गलत आदमी, मेरी क्लास में इनके लिए कोई जगह नहीं है, तो बताओ बेटा गलत कौन सा है, जल्दी से जवाब दीजिए। ओके धीरज तिवारी, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल में अंतर होता है पीएच वैल्यूज का, जिनकी पीएच 3-2-1 के करीब होती है वो स्ट्रांग होते हैं, जिनकी पीएच वैल्यू 4-5-6-7 करीब होती है उनको स्लाइटली वीक मान दिया जाता है। ओके चलिए सुगर केन के अंदर, गन्ने के अंदर ग्लाइकोलिक अम्ल बेटा पढ़ा रखा है, अम्ल क्षार पढ़ डालो गन्ने में ग्लाइकोलिक अम्ल। चलिए ओके यहां तक बात आई। अभिषेक शर्मा कह रहे हैं कि सर्दी में वाटर से वेपर निकलती दिखाई देती है, गर्मी में नहीं, क्यों, क्योंकि बेटा सर्दी के अंदर वातावरण का ताप जो जल होता है उसके तापमान से कम होता है, हर जल से वाष्प नहीं निकलती है, जो जमीन से निकालते हो ना उससे निकलती है, क्योंकि जो भूगर्भ का जल है आपका वो जल क्या होता है दोस्तों, उसका टेम्परेचर फिक्स रहता है, अब गर्मियों में वो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है बाहर का और पानी का टेम्परेचर रहता है कम, तो इसलिए वो हीट उसकी तरफ जाती नहीं है, लेकिन सर्दियों में क्या होता है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर कम होता है, और जब आप नीचे से पानी निकालते हो जमीन से तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो हीट जो है वो पानी से एनवायरमेंट की तरफ जाती है, दैट्स व्हाई आपको वेपर की फॉर्म दिखती है। ओके तो दोस्तों अम्लीय वर्षा का पीएच मान बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, एसिड रेन की पीएच वैल्यू, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं बताइए, अम्लीय वर्षा उसे कहते हैं जब दोस्तों SO2 और
NO2 जैसी गैसें बरसात के जल के साथ मिलती हैं और दोस्तों H2SO4 और HNO3 अम्लों के रूप में जमीन पर आती हैं। इसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसकी पीएच वैल्यू 5.6 से कम होती है। दांतों के लिए नुकसानदायक पीएच बेटा ये 5.5 पढ़ाई थी और डाटा एनसीईआरटी का है तो पाठक जी इसमें कुछ नहीं कर सकते। डाटा एनसीईआरटी का है, पाठक जी की दादागिरी नहीं चलेगी, आपकी भी दादागिरी नहीं चलेगी। उत्तर 5.5। ठीक है, मानव शरीर की पीएच रेंज बिल्कुल सही बात कर दी है दोस्तों। ह्यूमन बॉडी की पीएच रेंज 7 to 7.8 है, लेकिन पीएच में अगर 0.2 का परिवर्तन आ जाए बच्चों जानलेवा बन जाता है। बात तो सही है लेकिन गलत कौन है? बी। और जो गलत है उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, निकाल के फेंको इसको। ओके, चलिए बात समझ में आ गई। और कमेंट में शुभम जायसवाल, ठीक है भाई अब गाना बहुत गा लिया, पढ़ाई पे ध्यान दे दो। ओके, अगला क्वेश्चन लपकाएं, ये लपका दो भाई, क्वेश्चन बड़ा प्यारा। और ये रहा 4 विलियन आपके पास बेटा, ए बी सी और डी, इनके अंदर हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता 10^-4 भैया, 10^-6, 10^-7 और 10^-8 मोल पर लीटर है। आपसे पूछा गया है सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, कंसेप्ट से उठकर सीधे क्वेश्चन यहां पर आ गए हैं और यहां से उठकर सीधे एग्जाम में जाने वाले हैं, और एग्जाम में जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपके भविष्य की कुंजी का काम करेंगे। ओके दोस्तों, क्लास को दबा के शेयर कीजिए और फिर आगे पढ़ेंगे। धीरज तिवारी, बिल्कुल, जो हम लोग कॉमर्शियल शुगर, जो व्यापारिक शुगर है, जो टेबल शुगर है, जो खाने की टेबल पर घर में रखी होती है, वो सुक्रोज है, जिसको चीनी कहते हैं दोस्तों। आइए जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का, क्लास को दबाकर शेयर कर दीजिए। क्या उत्तर देना चाहेंगे? तो कैसे हैं आप लोग, हैं बताइए, तो क्या उत्तर देना चाहेंगे जवाब दीजिए। 4 आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा अम्लीय कौन बता रहा है बेटा? सबसे ज्यादा अम्लीय बता रहे हैं ए। एक चीज बताओ मुझे यार, क्या बताओगे आप? ये आपको हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता दी हुई है, और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता दी हुई है तो इससे पीओएच निकलेगा। इसका पीओएच बताओ, माइनस को प्लस कर दो 4, इसका पीओएच 6, इसका पीओएच 7 और इसका पीओएच 8। और पीएच निकालना हो तो पीओएच को 14 में से घटाइए, 14 में से 4 घटाया 10, 14 में से 6 घटाया 8, 14 में से 7 घटाया 7 और 14 में से 8 घटाया 6। ये पीएच है। अब पूछ रहा है सबसे ज्यादा अम्लीय है, तो बेटा सबसे ज्यादा अम्लीय तो वो होगा जिसकी पीएच वैल्यू 6 है। तो आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा, लेकिन डी तो किसी ने दिया ही नहीं भाई, डी तो किसी ने दिया ही नहीं, बोलो। हाँ, यही तो गड़बड़ हो गया ना मामला। ओके, डी कैसे आया? ध्यान रखना, ये देखो ये बड़ा डेंजर वर्ड दे दिया, हाइड्रोक्सिल आयन। ओके, पेपर में अगर हाइड्रोजन आयन होता तो आप डायरेक्ट पीओएच निकाल के कर सकते थे, लेकिन पेपर में दिया है दोस्तों हाइड्रोक्सिल आयन, तो पीओएच निकाल के फिर 14 में से घटा के निकालो पीएच, और 14 में से जब घटा के पीएच निकालोगे तो फिर बात आएगी सामने। ठीक है बच्चों, समझ में आया अच्छे से? जिनका गलत हुआ वो याद रखना, अगली बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन हो तो उसको ढंग से पढ़ना। और ये रहा क्वेश्चन, अब तो इसको चुटकियों के अंदर आप उड़ाने वाले हैं। क्वेश्चन है कि भैया पीओएच जो मान है वो कितना होगा? वो 6 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है विलयन में कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है If a solution has its pOH value 6, find out the number of hydrogen ion concentration in its solution. Okay, चलिए कोई बात नहीं, जिन्होंने दिया था वो सही है, अब लड़ो मत तुम लोग। सर पहले मैंने लड़ना नहीं है, जवाब दो। अगले क्वेश्चन आ रहे हैं, प्यारे प्यारे शानदार क्वेश्चन। ओके, तो इसका कौन जवाब देगा, उत्तर क्या आएगा, बोलो। ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है, जल्दी से जवाब दो, जल्दी से बोल दो ए बी सी डी। ओके, सी 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 आ रहा है, ठीक है। देखो, अगर पीओएच 6 है तो बच्चों पीएच कितना होगा? 8। अगर आपसे ओएच माइनस आयनों की सांद्रता पूछता तो हम लोग सीधा 10^-6 करते, लेकिन आपसे ओएच माइनस की जगह, भैया क्या पूछ लिया, ओएच माइनस की जगह आपसे एच प्लस आयन की सांद्रता पूछी है, तो हम लोग क्या करेंगे, बोलो, 10^-8 विद मोल पर लीटर। तो उत्तर अपना आने वाला है ये, समझ गए आप? क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आएगा, डरेंगे नहीं आप,
नहीं डरना है। और बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे लो, कौन मजे ले रहा है, कौन क्या कर रहा है बेटा, है समझ लो बात को, वरना मेरी नजर में सब कुछ है। हाँ चलो अगला क्वेश्चन लपकाओ भैया। ये रहा, वे एलिफेटिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजनों की संख्या कार्बनों की संख्या के दुगने से कम हो सकती है। एलिफेटिक कंपाउंड्स इन विच नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैन बी लेस देन डबल ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन, है ना, बढ़िया प्यारा क्वेश्चन। एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, तीन ऑप्शंस आपके सामने हैं। पढ़ाई पर दीजिए ध्यान और क्वेश्चंस का दीजिए जवाब, और अगर किसी ने कोई फालतू बात की तो भैया गोलियों से भून दिया जाएगा, सही है नहीं? चलो ओके जवाब दो, क्लियर। एलिफेटिक कंपाउंड की बात की जा रही है बेटा, एलिफेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं कोई मुझे बताएगा। एलिफेटिक कंपाउंड्स को दोस्तों रेखीय या अचक्रीय हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, जिनमें साइकिल नहीं पाए जाते, रिंग नहीं पाई जाती, इनको अचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये बच्चों तीन टाइप के हम लोगों ने पढ़े हैं, हम लोगों ने पढ़ा एल्केन, हम लोगों ने पढ़ा एल्कीन और हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों एल्काइन। अब फॉर्मूले से याद रहेगा, CnH2n+2, हाइड्रोजन जो है उनकी संख्या कार्बनों की संख्या के दुगने से दो ज्यादा है। यहां पर हाइड्रोजनों की संख्या कार्बन के दुगने के बराबर है, बट एल्काइन में हाइड्रोजनों की संख्या कार्बन के दुगने से दो कम है। यही तो पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है, हाइड्रोजनों की संख्या कार्बनों की संख्या के दुगने से कम, बोलो उत्तर क्या बनेगा, बोलो एल्काइन की जय, बोलो सही है आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल एल्काइन। ठीक है क्लियर हो गई बात, चलिए है ना, क्लियर हुआ यहां तक बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला 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 ये रहा भैया, निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है, पहचान के बताइए। अभी अभी जो बताया उसी से इस क्वेश्चन का जुगाड़ किया जाएगा और भविष्य में इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन को इसी तरीके से निपटाया जाएगा। ऑप्शन से आपके पास C3H8, बोलो बताओ, कार्बन दो से डबल है मतलब एल्केन है, पक्का दो डबल से ज्यादा है एल्केन है, डबल है मतलब एल्कीन है, और डबल से दो ज्यादा है मतलब फिर एल्केन है, और डबल से दो कम है मतलब एल्काइन है। इनके नाम भी लिख सकते हैं, मुझे ए बी सी और डी के नाम भी लिखकर बताइए, मुझे ए बी सी डी के नाम भी लिखकर बताइए। उत्तर तो आपका C3H4 है, हमने बता दिया, लेकिन बाकी के बात कौन करेगा, इसकी बात करो। सतपाल वर्मा, न्यूमेरिकल्स अभी तक के एनटीपीसी के पेपर्स के डाटा के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स अभी नहीं आ रहे हैं, बाकी आपने जितना पढ़ लिया वो आपके नॉलेज में, तो आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पर ज्यादा गौर कीजिए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले फॉर्मूले याद रखिए, बाकी तो आपने पढ़ा ही है। ओके तो इनके नाम भी बताएंगे बच्चों, ए का नाम कौन बताएगा, हाथ खड़ा करो, बी का नाम, सी का नाम, डी का नाम, हाथ खड़ा कर करके आ जाओ नंबर बाई नंबर भैया। ओके ए का नाम, बी का नाम, सी का नाम, डी का नाम, है ना, तो बताओ क्या क्या नाम दे रहे हो बताइए, एल्केन, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, एल्काइन, ऐसा है ना। हाँ एक लड़का बोल रहा है पंडिताइन, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे वो आया था ना कि भैया आपको पता है क्वारंटाइन शब्द का मतलब क्या है, जैसे जैसे पंडित की लुगाई पंडिताइन होता है, नहीं होता, जैसे पंडित की लुगाई क्या हो गई, पंडिताइन हो गई, ठीक है, और ऐसे कुछ दो तीन और थे यार, है ना, ठाकुर की वाइफ ठाकुराइन, ऐसे कोरोना की वाइफ क्वारंटाइन, है ना, ऐसे सही है। चलिए तो गुप्ता की गुप्ताइन, ठकुरा की ठकुराइन, पंडित की पंडिताइन, ऐसे ही कोरोना की क्वारंटाइन। ओके चलिए तो भैया देखिए, इसका नाम तीन कार्बन वाला एल्केन बोलो कौन सा होगा, प्रोपेन होगा। इसके बाद चार कार्बन वाला एल्कीन बच्चों ये होगा ब्यूटीन होगा, ब्यूटीन, चार कार्बन वाला एल्कीन इसको क्या लिखेंगे, ब्यूटीन लिखेंगे, पांच कार्बन वाला एल्केन सी पे लिखेंगे पेंटेन, और तीन कार्बन वाला दोस्तों एल्काइन इसका नाम आएगा प्रोपाइन। बेटा नाम लिखना सिखाया है और नाम लिखना सिखाया है तो आपके सबके आंसर प्रॉपर आने चाहिए, ठीक है चलिए है ना। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, ब्यूटेन टू इन में कार्बन कार्बन बंधों की संख्या, ब्यूटेन टू इन कार्बन कार्बन एकल बंधों की संख्या बात कर रहा है भैया, ब्यूटेन टू इन, चलिए
जवाब दीजिए, ब्यूटेन टूइन, कार्बन कार्बन एकल बंध। देखिए ब्यूटेन टूइन मतलब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके पास ब्यूटीन है और उसमें सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है ना। तो देखिए एक दो तीन चार, ब्यूट का मतलब था चार, अब ये पहला कार्बन है दूसरा कार्बन, इस पर डबल बॉन्ड लगा दिया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्बन कार्बन सिंगल बंधों की संख्या, देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बंध, कार्बन कार्बन सिंगल बंध एक तो ये रहा, ठीक है, एक तो ये रहा और कार्बन कार्बन सिंगल बंध ये रहा, ठीक है। तो उत्तर तो आपका क्या आने वाला है, दो, लेकिन बाकी की जानकारी भी ले लेते हैं। देखिए कार्बन की संयोजकता होती है चार, अब एक इधर बुक हो गई तो बाकी के तीन पे क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन जोड़ेंगे। इधर इसकी दो और एक तीन हो गई तो आप नीचे जोड़ दीजिए चाहे ऊपर जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इसकी भी दो और एक तीन कंप्लीट हो गई तो एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, अब नीचे भी जोड़ सकते हैं ऊपर भी जोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर एक एक है तो इधर तीन जोड़ेंगे। बताइए अब इसको किस तरह लिख सकते हैं, देखिए ये बन गया CH3 पहला कार्बन, ये बन गया दूसरा कार्बन CH, ये बन गया तीसरा कार्बन CH और ये बन गया चौथा कार्बन CH3। तो इसको कैसे लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, क्लियर। अब आपसे पूछेगा कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कितने हैं, यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है एक, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है दो और कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बताइए दोस्तों, तो ये आपके बनेंगे दोस्तों आठ। देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। क्लियर, क्लियर हुआ भाई यहां तक, है ना। अगला पेंटाइन का अणुसूत्र बताइए भाई, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पेंटाइन, पेंटाइन का अणुसूत्र। अनंत कुमार जी कह रहे हैं कि क्षारीय प्रकृति वाला अम्ल, ऑप्शंस दो यार मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपका क्वेश्चन, अम्ल क्यों होगा क्षारीय प्रकृति वाला, तो आप एक बार इसका मुझे ऑप्शंस दीजिए तो शायद मैं समझ पाऊं कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। ओके चलिए, कन्हैया वर्मा कह रहे हैं आप हम लोगों का कमेंट कैसे देखते हैं, एक अलग से स्क्रीन रखी हुई है मेरे सामने ऐसे, उस पर आप दिखते हो सब। ओके तो पेंटाइन का अणुसूत्र, बेटा पेंटाइन तोड़ दीजिए, पेंट प्लस आइन, पेंट का मतलब हो गया बेटा कार्बन है पांच और आयन का मतलब है एल्काइन है जिसका फॉर्मूला है CnH2n-2, तो एन की जगह लिखेंगे पांच, सी हो गए पांच एच दो मल्टीप्लाई किया पांच से, अरे यार ठीक है ऐसे मल्टीप्लाई किया दोस्तों पांच से, माइनस कर दिया दो, तो पांच दूना दस में से दो घटाया, सी पांच और एच आठ, ये रहा अपना उत्तर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, पेंटाइन करेक्ट। चलिए ओके चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं, और ये रहा दोस्तों प्यारा सा क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में अगर बहसबाजी करी तो बहसबाजी करने वाले हर बच्चे को लड़ने के लिए बाहर छोड़ दिया जाएगा। अच्छा ऐसा होता है ना, क्लास में दो लड़के लड़ते हैं तो मास्टर क्या करता है कि तुम दोनों क्लास से बाहर जाकर लड़ो जाओ, एक दूसरे को खूब झपाट मारो, खूब थप्पड़ मारो, है ना, और फिर जब वो क्लास में आते थे ना फिर मास्टर मारता था, ये काम होगा तुम लोगों के साथ। ओके चलिए पढ़ाई पर ध्यान दो, कोई भी कमेंट बॉक्स में अगर मुझे आपस में बात करता कमेंट करता हुआ पाया गया तो भाई साहब समझ लेना कि शामत आ जाएगी। देखो पढ़ाई पर ध्यान दे लो, क्योंकि तुम लोगों का डिस्टर्बेंस आपस में हो रहा हो नहीं हो रहा हो, मेरा ज्यादा हो रहा है। ओके चलिए तो बताइए बेटा, है ना, ए बॉडी इज चार्ज्ड नेगेटिवली, इट इंप्लाइज दैट, एक व्यक्ति पर एक बॉडी पर नहीं यार, वस्तु की बात की जा रही है, वस्तु, वस्तु को भी बॉडी कह सकते हैं, एक वस्तु पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, बताइए नेगेटिव चार्ज कब आता है, नेगेटिव आता है तब जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं, पॉजिटिव आता है तब जब इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ये रहा दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट बन गया अपना, इलेक्ट्रॉन हमने क्या किए हैं, लिए हैं, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई, क्लियर है ना, अगला क्वेश्चन करें, बिल्कुल ये रहा दोस्तों कॉन्टैक्ट लेंस, बढ़िया सा क्वेश्चन दोस्तों, कॉन्टैक्ट लेंस किसके बने होते हैं, पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी, पीवीसी के पाइप, पैरासूट, बरसाती कपड़े वगैरह बनते हैं बच्चों, रस्सियां वगैरह बनती हैं, पॉलीस्टायरीन, बेटा पॉलीस्टायरीन जो है इससे टीवी रेडियो के कैबिनेट बनते हैं, पॉलीस्टायरीन से टीवी रेडियो के ढांचे यानी कि कैबिनेट, टीवी रेडियो के कैबिनेट बनते हैं आपके पॉलीस्टायरीन से,
और दोस्तों टेफलॉन से आपके नॉन स्टिक बर्तन बनते हैं, ऐसे बर्तन जिनमें खाना आपका चिपकता नहीं है, नॉन स्टिक कुकवेयर। ल्यूसाइट अपना करेक्ट आंसर है, जिसको PMMA पॉलीमेथिल मैथैक्रिलेट, ये एक पॉलीमर है, इसी को पॉली मिथाइल मैथ एक्रिलेट, पॉलीमेथिल मैथ एक्रिलेट पम्मा भी कहते हैं। तो उत्तर बनेगा दोस्तों ल्यूसाइट। कॉन्टैक्ट लेंस आंखों के कलर को चेंज करने के लिए, आंख का तारा होता है ना दोस्तों, आंख का तारा हम लोग कहते हैं आयरिस को। आयरिस आंखों के कलर को डिफाइन करता है। जब आप लोगों को आपकी आंखों का कलर पसंद नहीं हो, आप कोई भूरी आंखें करना चाहता है, कोई नीली करना चाहता है, तो कॉन्टैक्ट लेंस लगा दिए जाते हैं। ओके, बात समझ में आ गई क्या? तो उत्तर ल्यूसाइट बनने वाला है दोस्तों। अगला उत्तर ये रहा, प्यारा सा क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन, छोटा सा कह सकते हैं दोस्तों। 2KI2KI+PbNO3 का होल ट्वाइस इज इक्वल्स टू PbI2+2KNO3। बताइए किस प्रकार की रिएक्शन आपको दिख रही है? प्लेनेरिया और तारा मछली में कौन सा जनन होता है? बेटा इनके अंदर रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन। प्लेनेरिया चपटाक्रमीय पुनर्जनन पाया जाता है, असीमित पुनर्जनन की क्षमता प्लेनेरिया। स्टारफिश के अंदर भी रीजनरेशन पाया जाता है। ओके, चलिए अनंत कुमार ठाकुर, क्षारता वाला अम्ल, फॉस्फोरिक, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक और एसिटिक। तो इसको फॉस्फोरिक करेंगे हम लोग, है ना, इन चार में से एक ही है जो थोड़ा सा हटकर लगता है, वो फॉस्फोरिक है। ओके, चलिए। तो देखिए, देखो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि पी बी यहां से उठा, पी बी उठ गया, इधर से इसने आई टू को लिया साइड में और ये बन गया, ठीक है, और इधर के यहां से उठा और इसने किसको ले लिया साइड में, नाइट्रेट को। इसका मतलब दोस्तों दो बार विस्थापन हो रहा है, और दो बार विस्थापन हो रहा है तो बच्चों फोड़ दोगे, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या कहेंगे इसको, द्विविस्थापन। बात समझ में आ गई? रोगों की ट्रिक तो मैंने पढ़ा रखी है लवकुश मीणा, रोगों वाले टॉपिक में बहुत प्यार से ट्रिक पढ़ाई है, खोल के तो देखो। अरे टॉपिक खोल के तो देखो तभी तो बात करोगे यार। अगला क्वेश्चन यार, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया और बन गया चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये किया गर्म, बताइए कैसी अभिक्रिया है? पहचान जाओगे, बताइए कैसी अभिक्रिया है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो मिला चूना और साथ में मिला कार्बन डाइऑक्साइड, जवाब दीजिए ये कैसी रिएक्शन है? ओके, चलिए। तो बेटा ये रिएक्शन है, देखो ए टूटा, किस में टूटा, बी में टूटा और सी में टूटा। कब टूटा? जब गर्म किया। तो क्या बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे, ऊष्मीय अपघटन या थर्मल ब्रेकडाउन, थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसे कि ऊष्मीय वियोजन भी कह सकते हैं, ऊष्मीय वियोजन भी कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, कूड़े कचरे से खाद बनना, कूड़े कचरे से कंपोस्ट बनना है ना, श्वसन, कोयले का दहन, बर्निंग ऑफ कोयल, ईंधन का दहन, कैसी अभिक्रियाएं हैं? ऑप्शन है ऊष्मा शोषी, ऊष्मा क्षेपी, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट, जवाब दीजिए दोस्तों, है ना, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से। क्लियर? पढ़ाई पर ध्यान दो, कमेंट बॉक्स में फालतू बातें नहीं चाहिए दोस्तों। जैसे आप लोग बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की, जैसे आप लोग बात कर रहे हैं श्वसन की, तो श्वसन में आपको पता है श्वसन में ऊर्जा उत्पादन की क्रिया श्वसन कहलाती है। इसके अलावा कोयला या ईंधन जलाओगे तो भी बच्चों उच्च मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे हम कार्य में बदलते हैं। इसका मतलब ऊष्मा त्यागी जा रही है, तो ऊष्मा त्यागी जा रही है तो दोस्तों इसको हम लोग ऊष्मा क्षेपी कह देंगे। क्या कह देंगे? ऊष्मा क्षेपी कह देंगे। तो उत्तर क्या बनेगा? ऊष्मा क्षेपी, एक्सोथर्मिक, वे रिएक्शंस जो हीट को क्या करती हैं, रिलीज करती हैं, ऊष्मा क्षेपी कहलाएंगी दोस्तों, इनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए दोस्तों, कौन सा गलत है? चार ऑप्शंस हैं, प्यारे ऑप्शंस हैं, जवाब दीजिए दोस्तों। C+O2 = CO2,
एन टू प्लस थ्री एच टू इज इक्वल्स टू टू एन एच थ्री, टू एच टू प्लस ओ टू इज इक्वल्स टू टू एच टू ओ, और एस टू प्लस थ्री ओ टू इज इक्वल्स टू टू एस ओ थ्री। जवाब दो भाई, क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने, जवाब दीजिए, कौन सी अभिक्रिया के बारे में गलत एक्सप्लेनेशन दिया गया है, किस रिएक्शन के बारे में गलत एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए, पूछा गया है कौन सा मेल गलत है, तो बेटा मैं बता दूं, बता देता हूं, चलो यार तुम भी क्या याद रखोगे। देखिए, ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसके बाद जो दूसरा बचा उसका क्या हो रहा है, अपचयन, रिडक्शन। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है सी प्लस ओ टू ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, बिल्कुल करेक्ट है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा एन टू प्लस थ्री एच टू, हाइड्रोजन जुड़ा है नाइट्रोजन के साथ, तो बताइए नाइट्रोजन का क्या होगा, रिडक्शन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, अपचयन, और हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, बिल्कुल करेक्ट है भैया, रिडक्शन। तीसरा दोस्तों देखिए, जल जुड़ा हाइड्रोजन जुड़ा ऑक्सीजन से, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का रिडक्शन। अब यहां पर बात दी है इसने अपचायक, तो देखो बेटा जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे हम अपचायक कहते हैं, और जिसका अपचयन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो क्या कह रहा है दोस्तों आपसे कि ऑक्सीजन अपचायक है, बिल्कुल ऑक्सीजन अपचायक है, बात एकदम दबा के सही कही है इसने, ठीक है। सल्फर का जब आप ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है, ठीक है। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक है और जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक है। तो यहां पर क्या बात कर रहा है दोस्तों, यहां पर बात कर रहा है सल्फर अपचायक नहीं, सल्फर क्या है, ऑक्सीकारक है। तो डी क्या है दोस्तों, यहां पर गलत है, डी ऑप्शन गलत है। सूरज जामोद अलीराजपुर वाले कह रहे हैं कि कोर्स कहां मिलेगा, बेटा परीक्षा एप्लीकेशन गूगल से डाउनलोड कीजिए, परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करके रेलवे कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए और वहां पर आपको कोर्स मिलेगा। बीके पाठक 50 आप कोड लगाएंगे, BK Pathak 50 जब आप कोड लगाएंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। 1299 का कोर्स 650 में मिलेगा, और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8600978622, इस पर कॉल करके आप हमारे कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, लवकुश मीणा ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसको रिपीट करो, मजा आएगा, ओके, बहुत प्यारा है, बहुत बेसिक है, कुछ ज्यादा डेंजरस नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ऑप्शंस थोड़ा इधर ए, इसको ए पढ़ना है इसे। निम्नलिखित में से कौन सा केमिकल चेंज है, पहला ऑप्शन है प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बढ़ जाना, प्रिज्म से गुजारते हैं 7 कलर्स में लाइट बढ़ जाती है, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, सानी हुई मिट्टी के सूखने पर उसका क्या हो जाना, भंगुर हो जाना, नमक का पानी में घुलना। दोस्तों जवाब दीजिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर, ठीक है, जवाब दीजिए नमक का पानी में घुलना, कौन सा सही लग रहा है, ठीक है। चलिए, चलिए चलिए भाई बताइए। तो दोस्तों कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, देखिए बेटा ये फिजिकल है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। सनी हुई मिट्टी जब सूख जाती है वो भंगुर हो जाती है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। नमक का पानी में घुलना, देखो नमक अगर पानी में घुलता है तो दोस्तों इसे उसका घुलना भौतिक ही है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोले कि नमक को आप गर्म पानी में डाल दो, उसका आयनों में बदल जाना, है ना, नमक का Na+ और Cl आयन में बदल जाना, तो ये रासायनिक बनेगा, याद रखना। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि नमक के पानी में घुलने पर Na+ और Cl- आयन मुक्त होना, तो उत्तर डी बनेगा। लेकिन यहां बोला नमक का पानी में घुलना, सॉल्युबिलिटी उत्तर नहीं है। सब्जियों को पकाते हैं वो मुलायम हो जाते हैं, दोस्तों सब्जियों को पकाते हैं तब वो क्या हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। इसमें आप चार ऑप्शंस में से कहीं पर लिंक कर सकते हैं,
बाकी डी भी, ये भी बन सकता है। लेकिन सब्जियों को पकाया पकाया आपने गर्म किया, गर्म करने पर क्या होता है दोस्तों, सब्जियों में पाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो तापमान पाकर डिग्रेड होते हैं, अपघटित होते हैं, और वो डिग्रेड होते हैं। जैसे कैल्शियम पैक्टेट है, तो कैल्शियम पैक्टेट क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। कैल्शियम पैक्टेट जो होता है उसके अणु टूट जाते हैं, उसके बंध टूट जाते हैं, और बंध टूट जाते हैं तो आपका उत्तर क्या बनने वाला है, बी। क्लियर, ये भी ध्यान रख लेना। अगर इसी क्वेश्चन में ये ऑप्शन होता कि नमक को पानी में घोलने पर Na+ और Cl- आयन बन जाना, तो उत्तर क्या बन जाता आपका, Db बन जाता। बात समझ में आ गई, चलिए ओके, है ना, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। 100 से पार कराओ जल्दी से व्यूज को, चलिए क्लियर। कौन सा रासायनिक परिवर्तन, फोटोसिंथेसिस बेटा केमिकल है, सही है। लकड़ी का जलना बेटा केमिकल है, पत्तियों का जलना बेटा केमिकल है, बर्फ का गलना पढ़ाया था बेटा, अवस्था परिवर्तन, जो अवस्था परिवर्तन होते हैं वो भौतिक परिवर्तन होते हैं, जितने भी अवस्था परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन है, गलन मेल्टिंग एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, तो उत्तर क्या बनेगा दोस्तों, सी बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, सी बनेगा। बोलो बात समझ में आ गई, चलिए क्लियर। बात समझ में आ गई यहां तक, अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करिए। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, जवाब दीजिए, रासायनिक परिवर्तन को कौन प्रदर्शित कर रहा है, केमिकल चेंज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बताइए। लोहे का चुंबक का तो मैग्नेटिज्म ऑफ आयन, आयरन, एक बात बताइए, लोहे को, ये लोहा रहा, लोहे को आप किसके पास लाएंगे, मैग्नेट के पास, ये चुंबक की तरह काम करने लग गया, लेकिन जैसे मैग्नेट को दूर ले गए तो हट गया, कोई केमिकल रिएक्शन हुई नहीं हुई, तो रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित नहीं करेगा। ईंधन का दहन, बिल्कुल बेटा दहन रासायनिक परिवर्तन है, और लोहे पर जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है, तो बी और सी आंसर बनेगा, डी। बोलो आंसर क्या बनेगा दोस्तों, डी बनेगा इस क्वेश्चन का। बोलो पढ़ाया है ना मैंने, पढ़ाया है यार, पढ़ाया है, मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो कैसे काम चलेगा। मोमबत्ती का जलना बेटा एग्जाम में क्वेश्चन अच्छा आता है, मोमबत्ती का जलना आपसे पूछा जा रहा है, बर्निंग ऑफ कैंडल। मैंने बोला था अगर आपसे बात करे मोम का पिघलना, तो मोम का पिघलना भौतिक में लिख देना, मोम का पिघलना किस में लिख देना, भौतिक में। लेकिन जब मोमबत्ती के जलने की बात आए तो धागा बीच में आता है, मोमबत्ती में धागा होता है और धागा जल जाता है दोस्तों, तो रासायनिक भी हो गया। तो या तो रासायनिक आएगा ऑप्शन में, और रासायनिक नहीं आएगा तो रासायनिक प्लस भौतिक दोनों, तो आप दोनों वाला उत्तर कर देंगे। दोनों वाला उत्तर नहीं हो तो रासायनिक पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल समझ लीजिए इस बात को। क्यों, क्योंकि मोमबत्ती के जलने में जो मोम है उसके साथ मोम पिघल जाता जाता है ना, उसका तो भौतिक है, और जो धागा जल गया वो रासायनिक है, तो दोनों करेंगे ओके, पढ़ाया भी है मैंने ये आपको ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित परिवर्तनों को भौतिक और रासायनिक में वर्गीकृत कीजिए दोस्तों, भौतिक और रासायनिक में वर्गीकृत करो, ठीक है क्लियर। देखो सिंपल सा, भोजन पकाना है ना, अब जब पकाने की बात करते हैं तो हम इससे सिंपल भौतिक मानते हैं, आपने जस्ट पकाया उसको, मिर्च मसाले वगैरह डाले और खा गए आप, है ना। हम लोग इसमें जनरली, जब तक आपको केमिकल रिएक्शन की कोई चीज़ नहीं दी गई, आपसे पूछा जाए ऐसे भोजन पकाने पर उसका कोई, उसका कलर चेंज हो गया, या भोजन को पकाने पर उसका स्वाद चेंज हो गया, या भोजन को पकाने पर उसके गुण बदल गए, तब आप रासायनिक कर सकते। लेकिन सिंपल जरा भोजन का पकाना भौतिक है, पानी का उबलना बेटा भौतिक है, पेड़ का कटना बेटा भौतिक है, है ना, पानी का पानी में नमक घुलना, सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट इन वाटर भौतिक है, ठीक है, भोजन का पाचन भौतिक है, और बर्फ का पिघलना, सॉरी भोजन का पाचन बेटा रासायनिक है, भोजन का पाचन रासायनिक है और बर्फ का पिघलना भौतिक है। देखिए पानी का नमक में घुलना, इसके बारे में मैं फिर से वही बात बता रहा हूं कि इसको अगर आयनों में विभक्त किया हुआ मानोगे तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, रासायनिक। अगर इसमें कहीं पर भी दे दे कि अगर पानी में नमक घुलकर Na+ और Cl- बनाता है, लेकिन दोस्तों जनरली सामान्य पानी में नमक घुलकर Na+ Cl- नहीं बनाता, जब तक कोई रिएक्शन ना की जाए, जब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड ना की जाए, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाए, या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया जाए तब तक, ठीक है। तो उत्तर क्या बनने वाला है ये आपको मैं बता चुका हूँ,
भोजन का पाचन जो है वो आपके पास रासायनिक है, बाकी सारे हम लोगों ने। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर पेड़ को काट दिया उसको दोबारा थोड़ी जोड़ सकते हो। मैंने एक क्लास में समझाया है कि अगर किसी काम को कर दें और वो वापस आ जाए तो भौतिक, नहीं आए तो रासायनिक, लेकिन ये 100% श्योर नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ को आप वापस नहीं ला सकते, पेड़ को काट दिया वापस जोड़ के पूरा पेड़ खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी परिवर्तन भौतिक है क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, कोई नया पदार्थ नहीं बना है। ठीक है, बात समझ में आ गई है, क्लियर? चलिए, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, है ना। अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, है ना, पौधे की वृद्धि बेटा भौतिक, लोहे पर जंग रासायनिक, मिक्सचर बनाना भौतिक, बल्ब का जलना भौतिक, श्वसन रासायनिक, पानी का जमना भौतिक, कागज का कटना भौतिक। ये लीजिए दोस्तों, सब लिख दिए हैं मैंने बोर्ड पे, सब बोर्ड पे लिख दिए हैं। एक बच्चा राम राम की रट लगा रखी है, राम राम भाई, राम राम पर नाम तो नहीं लूंगा, सही है, नाम तो नहीं लूंगा। ठीक है, समझ में आया यहां तक? ओके, अगला क्वेश्चन करें, सेकंड लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन आइसोडायफर्स है। बेटा ये मैंने पढ़ाया था, आइसोडायफर उन प्रजातियों को बोलते हैं जो सम न्यूट्रॉनिक होती हैं, ऐसी प्रजातियां जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। अब गिनिए, देखो 18 आर्गन 40, कितने न्यूट्रॉन है 22, इसके अंदर कैल्शियम वाले के अंदर कितने 20, गलत हो गया, 7 नाइट्रोजन, ये 15 8 और ये 15 8, बेटा सही हो गया। 1H2 न्यूट्रॉन 1 और न्यूट्रॉन 2, और इधर न्यूट्रॉन 22 और इधर न्यूट्रॉन 20, बोलो कौन सा सही बनेगा, 18 आर्गन 40 19, सही बनेगा ये वाला जिनके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या समान है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ऊपर की संख्या में से नीचे की घटा देते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर दोस्तों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन समान है तो इसको हम क्या कह देंगे, सम न्यूट्रॉनिक आइसोडायफर्स। ओके चलिए, यहां तक बात क्लियर हो गई। नमक डालने पर प्रश्नतनाव बढ़ेगा, वासुकी कुमार, ये मैंने प्रश्नतनाव वाले उसमें क्लियर किया है, यूट्यूब की क्लास में शायद ये उल्टा हो गया था। ओके क्लियर, निम्नलिखित में से कौन आइसोस्टायर से, लास्ट क्वेश्चन है। देखो बेटा आइसोस्टायर ऐसी प्रजातियों को बोलते हैं, आइसोस्टायर्स ऐसी प्रजातियों को बोलते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन व परमाणु संख्या समान हो, इलेक्ट्रॉन्स भी समान हो और परमाणु की संख्या भी समान हो। अब जैसे समझिए, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड 2 परमाणु है और नाइट्रोजन 2 परमाणु है, इलेक्ट्रॉन कैसे गिनेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड में गिनेंगे, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास 8, 6 और 8 14, और 2 नाइट्रोजन है इनके पास भी 7 7 14, तो बताइए परमाणु की संख्या भी समान है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान है, तो ये आइसोस्टायर है। लेकिन CO2 N2O की बात करेंगे, देखिए CO2 और N2O परमाणु की संख्या इधर 3 और इधर 3, ये तो सही है, लेकिन दोस्तों कार्बन के पास 6 और ये 16, कितने हो गए 22, इधर दोस्तों 7 7 14 और 14 और 8 22, ये भी बराबर है यार, है ना, ठीक है। तीसरा HF में देखिए दो पर HF, यहां यार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया अपने पास, ठीक है, देखो क्या समझेंगे, HF में 2 परमाणु है जबकि नियोन में 1 ही परमाणु है, तो ये आइसोस्टायर नहीं होगा, तो आइसोस्टायर होंगे ए और बी दोनों, है ना, ए और बी दोनों, कार्बन हो गया 6, ऑक्सीजन 8 8 16, 16 6 22, ठीक है, नाइट्रोजन 7 7 14 8 22, ठीक है, तो आइसोस्टायर ऐसी प्रजातियों को बोलते हैं। अनंत कुमार ठाकुर कह रहे हैं ऑक्सीजन वाले आंसर का क्वेश्चन गलत टिक हो गया, नहीं यार गलत तो टिक हुआ नहीं है, वो सही है। पोलोनियम और एस्टेटिन में कौन सी उपधातु है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ लवकुश मीणा, बेटा पोलोनियम एस्टेटिन दोनों ही आपकी उपधातु हैं, एनसीईआरटी ने गड़बड़ की हुई है बोरोन और एस्टेटिन के साथ, एक जगह बोरोन को माना हुआ है एक जगह एस्टेटिन को माना हुआ है, पोलोनियम तो है 100% है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको लेकर सही रहें कि एनसीईआरटी 9th और 11th दोनों के हिसाब से चलें, तो आप बोरोन को भी मानेंगे और एस्टेटिन को भी मानेंगे, हम दोनों को ही मानेंगे, ठीक है। चलिए, एक ही कमेंट को बार बार रिपीट मत करो, तो ऐसी प्रजातियां जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और परमाणु की संख्या समान हो उसको आइसोस्टायर्स कहते हैं, ठीक है, तो दोनों बता दिए मैंने आपको दोस्तों, ये अपना था लास्ट क्वेश्चन, और बाकी है ना, बाकी क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, अगर कोई लगता है जल्दबाजी में हो जाती है गलती, मान लीजिए मुझसे ही कोई हो गई हो, तो आप उसको देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं क्वेश्चन को चेक करा के अगली क्लास में उसको बता दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी रही बताइए दोस्तों, कल का आपका ऑफ है, कल राजस्थान में जयपुर में स्पेशली मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, पतंगे उड़ी रहती हैं, तो कल का आपका ऑफ है दोस्तों, परसों आपकी मुलाकात होगी आपसे मेरी,
ठीक है। तो गाइज आज की क्लास यहीं तक, क्लास को जितना हो पाए शेयर कीजिएगा, आगे बात करेंगे परसों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।